इस चैनल पर दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से एक बार स्वयं मिलें, अन्यथा उससे हुई किसी तरह की असुविधा के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। हाय, वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। आम एम पठान गोट फार्म पे हूँ मैं उस्मान भाई के साथ। सलाम उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई बहुत बढ़िया बकरा है, अपने माशाल्लाह। चैनल से ही बिका है और आया अपने फार्म पे, जी भाई, आपके कोई और चैनल फार्म से से बिका बिका है। आया यहाँ पे जी और कस्टमर भी आपके। जी भाई, ठीक है, बताइए इनको, इनके बारे में आप थोड़ा बताओ पहले। हाँ भाई ये हमारे जीशान भाई है और ये यहाँ पे मीरा रोड में ही रहते हैं। अच्छा, और इनको भी मतलब शौक है कि बकरे लूँ और कुर्बानी के लिए ही पाल के उनको कुर्बानी करूँ। ओके, तो इन्होंने मतलब ये बकरा देखे आपके ही चैनल पे, आपके वीडियोस पे, जी, और आके मुझे बताए भी कि भाई ये बकरा है, मैं इसको लेना चाह रहा हूँ, मैं लेके आपके इधर रखता हूँ फार्म पे। तो मैं बोला हाँ जीशान भाई, कोई मसला नहीं, अपन तो पलाई का चालू ही करे। फिर उसके बाद में इन्होंने परचेस करे इसको और अपने पास लाके छोड़े भाई। एक साउथ बॉम्बे, एक कुर्ला, जोगेश्वरी, हाँ, और अभी मीरा रोड। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ के लोग बहुत पालते हैं बकरे। मैं हाँ। जितने भी फार्म्स पे जाता हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी यहीं के लोगों की यही है, की लोगों की है, यहीं के लोगों की है। प्रॉब्ली बिकॉज यहाँ पे मुस्लिम्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा ज़्यादा है, है राइट, ज़्यादा है। जीशान भाई, राइट, जीशान भाई, जीशान भाई, आपने क्यों चुना ये फार्म को? सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। एक्चुअली मैं ये तो ऐसा है कि अपने भाई का ही फार्म है और मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखता हूँ। जी, तो मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे देखा कि उस्मान भाई बैठे, सोहेल भाई सब बैठे करके, तो मैं तो पता था कि अपने उस्मान भाई तो पहले से मेंढे का शौक करते हैं, ये माशाल्लाह राइट, उनका नाम ही है। तो जी फिर मैं बोला जब वो मेंढे पालते हैं तो फिर मैंने क्यों ना अपना भी एक बकरा इंशाल्लाह यहाँ पर दिया जाए करके, तो मैंने चौधरी फार्म पे देखा था। जी जी तो वहाँ से मैंने ये परचेस किया था और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीना उसको हो गया है। अभी ये 10 तारीख को जनवरी की, फेबररी की 3 महीना हो जाएगा उसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह देखते साथ ही मैंने और 2 बकरे भी मंगाए। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह बैठा ही है मेरा कोटा, अच्छा, और यहाँ आज पे आ गए ऑलरेडी। हाँ, एक कितने बकरे कोटा आ टोटल चुका है टोटल? मेरा 3। और अभी एक आज रात में आएगा कुरला से। ओके, सो 10 साढ़े 10 बजे आ जाएगा। वाले के लिए कोई डिस्काउंट है क्या, सेम प्राइस? नहीं भाई, हमको डिस्काउंट चाहिए नहीं भाई, चाहिए नहीं। वो डिस्काउंट की कोई बात ही नहीं, वो अपने घर की बात है। एक अपने घर आप लोगों को ये हो जाता है कि आप पर्सनली आके देख सकते हो क्या। ज्यादातर फलाई के फार्म इतने दूर खुले हैं क्या, लोगों को आने जाने में, हालांकि जो पलाई पे रखता है प्रीटी वेल टू डू, पैसे वाले ही रहते हैं मोस्टली, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी ट्रैफिक में लोग पक जाते हैं बैठे बैठे। दादा भाई मतलब तकलीफ भी लोगों को बहुत होती है, इतना दूर जाना, इतना दूर जाना, फिर जाने आने का। देखो अभी कैसी छोटी सी बात है लेकिन है बड़ी बात। अभी पलाई के वहाँ पे भी 3,500 रुपये देने, फिर जाना है जब भी, तो उनको भी 2-3 हज़ार रुपये खर्चा करके जाना है, फिर रिटर्न आना है एक टाइम का। हाँ, एक टाइम अपने इधर मतलब बेनिफिट लोगों को सबसे ज्यादा यही है भाई कि तुम ये साइड से आओ या ये साइड से आओ, अल्हम्दुलिल्लाह अपना फार्म मतलब सिटी में नजदीक पड़ता है भाई, एकदम स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और इन द मिडस्ट ऑफ द सिटी है। आपको हाईवे से भी करीब पड़ता है ये, बहुत ज्यादा करीब है भाई, 2 मिनट में हाईवे अपन। बिल्कुल, काशी मीरा में आता है, काशी मीरा, काशी मीरा में आता है बकरा। बहुत अच्छा माशाल्लाह, क्या प्रोग्रेस आई है 2 महीने में? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जब मैं आया था तो ये 86 किलो पे था, विद इन 10 दिन के अंदर उन्होंने ऐसा कर दी थी कि मैं खुद भी नहीं पहचानता था, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई के हाथ में भी शिफा है, अल्लाह की दुआ है भाई भाई का। आई थिंक पर्सनलाइज्ड अटेंशन, तो माशाल्लाह भी व्हिच मिस्टर पठान इज गिविंग, अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनल अटेंशन देना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनको, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फीड वगैरह मिलती है उनको, मिल्कशेक वगैरह मिलता है, ऐसा कभी भी जो भी टाइम पे हो तो साफ सफाई अल्हम्दुलिल्लाह, और कभी भी कोई भी आने के टाइम पे कोई रोक टोक नहीं, कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आके अपना बकरा लेके आओ, देखो, घूमो फिरो। मेरे को कोई बकरा ऐसा नहीं है जो 19-20 लगा यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह सभी अच्छे हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे शो स्टॉपर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिनको अंडुल का शौक है, आई डोंट थिंक दिस एनीथिंग बेटर इन ये एरिया में, आई डोंट नो इससे बेटर कोई जगह है, कोई बेटर जगह नहीं है। मैं हालांकि मैं ज्यादा फार्म कवर नहीं करता हूँ, लेकिन जितने कवर किया हूँ यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है अंडुल बकरों का। शुक्रिया भाई, बॉम्बे सिटी में ये स्टॉक रहना इट्स अ बिग अचीवमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। और हालांकि आपको थोड़ा महंगा भी पड़ जाता होगा पालना कंपेयर टू अदर्स। हाँ भाई, लेकिन भाई कैसा है, ये सिटी है, प्राइस ये सिटी है भाई, यहाँ पे तो मतलब पानी भी अपन पैसा दे के खरीद रहे भाई। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ना कोई कुआ है ना कोई नल है, मतलब खाना तो सब खरीद के ही खिलाते, और अपने इधर तो पानी भी मतलब खरीद के ही पिलाना है। और दूसरी बात भाई, लोगों के फार्म पे पत्ते वगैरह भी चलते हैं, जी जी जी, अपने फार्म पे पत्ते जरा भी नहीं है। इसको बेचोगे आप ईद के टाइम पे? नहीं नहीं भाई, इसको कुर्बानी के लिए रखा है। कुर्बानी के लिए? बताइए इसका अभी वजन कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? अभी इसका लास्ट टाइम हम लोग ने कराए थे तो 92 था, 92 अभी तो होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर, 1 महीना तो बकरे को देखो रिकवर के लिए जाता है, आता है, सेट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में मेरे को 6 किलो का वेट गेन मिला है उसमें, माशाल्लाह। और उसका स्ट्रक्चर वगैरह मैं खुद भी नहीं पहचाना था 10 दिन में। कमान जो नेक लाइन है बहुत अच्छी है, नेक लाइन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हाँ, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाला बकरा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पलाई जो है 3,500 रुपए अंडुल का है, खसी का जो है 3,000 रुपए। मोर्टैलिटी होती है तो आप कुछ दे रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं दे रहे। और भाई अपने पास मतलब फिक्स प्राइस नहीं है, ये जो 50 kg के अंदर के अंडुल है उनके अपन 3,000 रखे, और 50 अबाव जो है उनके 3,500 है।
लेकिन 100 अबाव जो है उनके 4 है। और वैक्सीनेशन चार्ज है कोई? कुछ भी नहीं, सब अपना है। और खस्सी के भी चार्जेस ऐसे ही है भाई, 2,500 रुपए अंडर 50 का है और अबाव 50 की 3,000 रुपए खस्सी। लगता है देवनार खुलेगा? देवनार तो मुश्किल है भाई, मेरे को भी मुश्किल ही लगता है। देवनार मुश्किल लगता है अपने को भी। जो देवनार का चांद था वही चला गया ना, आधा तो देवनार बिक गया, बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे, आधा तो बिल्डिंग बन रही है और कई तो आजू बाजू में सोसाइटी कितनी अच्छी बन गई है भाई। वाला बाड़ा इतना फेमस था वो भी गया, वहाँ पे भी कुछ नहीं है अभी, क्या करेगी अभी भाई? जो मंडी लोकल लगती है वही सब अपने देवनार है लोकल। और फार्म आ गया तो आई थिंक देवनार की कमी भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन उतने क्वांटिटी में नहीं आ रहे, उतनी क्वांटिटी में तो लाखों में आते थे भाई अपने फार्म से। मतलब शौक तो अपन कर ही रहे, लेकिन ईद का हर सीजन हम अपने फार्म से करते ही। कितने बकरे उतारते हो बेचने भाई? मैं 125-130 ऐसे बकरे उतारता हूँ और सुकून से बेच के, मतलब ईद से 2-3 दिन पहले ही पूरे मोकलाओगे घर पे भाई, ऐसा है। ठीक है, चलिए वंस अगेन नाम रखे गुजरान भाई, सुल्तान नाम है भाई, सुल्तान नाम है इसका, बहुत अच्छा बकरा है, नॉट फॉर सेल, तो उसके लिए कॉल मत कीजिए, पलाई पे रखना है तो उस्मान भाई को कॉल। यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।